इनको तो अभी से तुम्हारी बीवी की बात कर, इनको तो अभी से लगान डाल कर रखो। जवान है, खूबसूरत है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसके इशारों पर नाचते रहो। खूबसूरत बीवी को काबू में रखना पड़ता है, समझ रहे हो? जोई, मसला ये है कि तुम बहुत अच्छे और नेक इंसान हो, और ये नादिया, ये आज के जमाने का चलता पुर्जा है। अगर तुम यूं ही शर्म और लिहाज लेकर बैठे रहे ना, तो ये लड़की बाजार में तुम्हारी इज्जत उतारती फिरेगी, फिर क्या करोगे? अरे आपा यार, ये पैर दबाने वाली बात है, ये तो वो महावर्तन कर रही है, मैं दबाता नहीं हूँ खुदा की कसम। चलो ठीक है, मान लिया, लेकिन मर्दों की शान है कि बीवी को अपने काबू में रखे, समझ रहे हो, दबा के रखे। हाँ। अगर एक दफा बीवी खुदसर हो गई ना, तो दोबारा नकेल डालना मुश्किल होगा। हाँ। इसलिए मैं कह रही हूँ कि उसको बच्चों के वपाल में उलझा दो, ताबड़तोड़ बच्चे होंगे ना, तो सब नखरे धरे के धरे रह जाएंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, समझ रहे हो? हाँ, हाँ। देखो जुई, कुछ भी है, ये सादिया और ये नोशी, इनकी हिम्मत नहीं हुई आज तक कि मेरे सामने एक से दूसरी बात कर सके, मगर ये तुम्हारी बीवी, इसके तो अंदाजे लगा ले। इसलिए मैं कह रही हूं, ये तुम्हारी शराफत का भरपूर फायदा उठा रही है, आपे से बाहर हो रही, इसको इस पर सख्ती करो। नहीं नहीं, आप इंशाल्लाह देखिएगा, बिल्कुल सीधा कर दूंगा इसको मैं तीर की तरह, आज ही अभी आपके सामने। बस मुझे तुमसे यही उम्मीद है। खून चला के रख दी। अरे छोड़े, ठंडा पानी लाऊं? मैं लाता हूँ ना आपके लिए, ठंडा पानी लाता हूँ। खुदा के वास्ते खाने पीने का ध्यान रखना, जानते हो ना अभी टाइफाइड से उठे हो, कमजोरी है बदन में। आतिम, तुम हमेशा मेरे लिए मुसीबतें ही लेकर आते हो, कभी सुकून ही नहीं मिला तुमसे। बस भी करें अम्मी, और कितना डांटेगी मुझे, कभी प्यार भी कर लिया करें। आपको पता है अम्मी, मैं दुआ करता था कि इतना बीमार हो जाऊं कि आप बस मेरे साथ लग के बैठी रहे। तुम कोई बच्चे हो तुम, जो इस तरह की बातें कर रहे हो? जब बच्चा था तब भी क्या प्यार करती थी मुझसे आप? देखो, माँ का बच्चे से प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि हर वक्त सीने से लगा के रखे, समझे? सिलापी को तो आप गोद में लेती थी, गले से लगा के रखती थी, हालांकि वो बड़ी थी और मैं छोटा, जब उन्हें चोट लगती तो कितना प्यार करती थी आप, पर मुझे लगती तो बस झड़क देती मुझे कि लड़कों को तो चोटें लगती रहती हैं, मगर मैं कभी सिलापी से जेलस नहीं हुआ, मैं बहुत प्यार करता हूँ उसे, सबसे ज्यादा, हालांकि वो तो मुझसे नफरत करती है आपकी तरह। मेरे लिए क्या कमी थी? मेरे कजन तो धाड़े मार मार के रो रहे थे मेरी रुखसती पर, वो खालिद भैया तो जहर ले आए थे, चची की नजर पड़ गई तो जान बची, वरना वो तो जान देने को तैयार थे मेरे लिए। और वो सलमा कवल, उसके भैया दीवानों की तरह दिन रात चक्कर लगाते थे मेरी गली के, अम्मा ने तो तंग आके खिड़की पे सरिये ठुकवा दिए, क्योंकि बड़ी चची है ना, उनके भैया दो बार कूद के अंदर आ चुके थे। अच्छा बकवास बंद करिए, शर्म आनी चाहिए आपको, एक ब्याहता औरत होके आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? झूठ लग रहा है आपको? सच है ये, सच, और अभी तो आधी लिस्ट दी है मैंने आपको। अच्छा चलिए चुप, खामोश रहे। ऐसा ही होता है, खुद देखा मैंने ड्रामों में, जो भाभियां और नंदे होती है ना, दिखा पढ़ा के भेज देती है, सीधा साधा शौहर होता है टेढ़ा कर देती है उसे। बढ़ियापा, ये लगाई बुझाई ना बढ़ियापा ने किया, अभी जाके पूछती हूं मैं उनसे। खबरदार, एक कदम भी इस कमरे से बाहर निकाला तो। नादिया अली को उतना कमजोर और नाजुक मत समझिएगा, निकाह में हूं, गिरफ्तारी में नहीं। अरे औकात भूल गई अपने, एक कोठरी से उठा के कोठरी में लाभ उठाया, अपनी हैसियत अपनी औकात भूल गई है। आपकी औकात क्या है?
क्या औकात है आपकी? सारा दिन जाहिलों की तरह छत पे कबूतर उड़ाते रहते हैं, बड़ी आपा की चारपूसी करके पैसे उड़ा लेते हैं उनसे। इस घर के मुलाजिम से ज्यादा औकात नहीं है आपकी। नीचे नीचे। अरे बड़ी आपा, अरे ये दोनों होंगी जो आपकी बातें बर्दाश्त करती होंगी। नादिया ने तो ना आज तक किसी के साथ ज्यादती की है ना ज्यादती बर्दाश्त की है। हाँ, ऐसी कौन सी कयामत आ गई है? अगर मेरा शौहर मेरे आगे पीछे हो रहा है तो क्यों जल रही हैं आप? अरे अपने शौहर को तो खूब दबा के रखा है, अगर मेरा शौहर मेरे नाज रख रहे उठा रहा है तो क्यों मौत पड़ गई आपको है? और जरा ये तो बताए ना, अरे शादी में दिन ही कितने हुए हैं जो बच्चा बच्चा कह के मेरे पीछे पड़ गई हैं आप? कोनों में मुंह छुपा के रोने वालों में से नहीं हूं मैं। हाँ, जो कहती हूं सच कहती हूं, डंके की चोट पे कहती हूं। अगर किसी ने मुझे परेशान करने की कोशिश की ना तो जीना जीरन कर दूंगी। हां, नादिया नाम है मेरा, याद रहे। अरे भाई, कब तक यूं ही बैठी रहोगी? नमाज भी कजा कर दी? हाँ, अब तो कजा का ही इंतजार है। लाहौल वाला कुवत, कैसी बातें करती हो भाई। जोई मियां की दुल्हन जरा गुस्से की तेज है, लेकिन ऐसे लोग बुरे नहीं होते। ये लोग कह सुन के दिल का गुबार निकाल देते। तुम यूं ही गम ना करो। ऐसी सुबकी हुई है मेरी सबके सामने कि क्या बताऊं। आज तक मुझसे किसी ने इस तरह नहीं बात की है जिस तरह इस लड़की ने की है। ना उसने मेरी उम्र का लिहाज किया ना मेरे रुतबे का। खैर मेरी तो खैर है, लेकिन मेरा दिल मेरे जोई के लिए कटे जा रहा है। बेचारा मेरा भैया, उसने क्या कसूर किया है जिसको ये सजा मिली है? कैसा भला मानस, शरीफुल नफ्स इंसान, नेक सीरत, कैसे पूरी जिंदगी गुजारेगा ऐसी औरत के साथ? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐ खुदा, ये कैसी आजमाइश है मेरे जोई के ऊपर। अरे भूल जाओ ना, जाने दो ना गुस्सा, मैं भी भूल जाता हूं। अरे भाई, जो हुआ सो हुआ, चलो छोड़ो ना। दोनों गुस्से में थे, बस कह गए सब कुछ। लेकिन मैंने जो कहा और तुमने जो समझा, मेरा वो मतलब नहीं था। पर मेरा मतलब वही था जो मैंने कहा, हर्फ हर्फ सच। आपके पिंजरे में रहने वाली कबूतर तो हूं नहीं मैं। अगर मुझे पिंजरे में रखने की कोशिश की ना तो पिंजरे समेत उड़ जाऊंगी।
बगावत कर दूंगी मैं, और आजाद छोड़ेंगे तो कहीं नहीं जाऊंगी। और ये बातें अपनी बड़ी आपा को समझा दें। अच्छा अच्छा ठीक है ना, चलो जाने दो गुस्सा। गुस्से में कुछ नहीं कहा मैंने, होश में कहा है। मेरा भी दिल चाहता है मेरा शौहर मेरी इज्जत करे, मुझे प्यार करे, ना कि सबके सामने मुझे डांट के अपनी मर्दानगी दिखाए। अरे आप भी तो वो सबके सामने पांव दबाने वाली बात नहीं करनी चाहिए ना। क्यों बुरा लगता है? तब बुरा क्यों नहीं लगता जब मैं कहूं कि मैंने आपके पैर दबाए थे? हाँ अरे नादिया, शौहर का अपना मकाम होता है समझे। अरे जोई, बीवी की भी एक हैसियत होती है, आप भी समझे। अच्छा चलिए जाने दीजिए ना, आप भी तो हर बात को तूल देना शुरू कर देती हैं, जाने देना गुस्सा। ठीक है वादा करें। हाँ वादा करें ना। हाँ वादा, क्या वादा करें? कि सबके सामने नहीं डांटेंगे। वादा। आप बताइए कि वो हमारे होने वाले बेटे का क्या नाम होगा? मेरा सिपा सला। मैंने एक नाम सोचा है। क्या? हाशिम। हाशिम हत हाशिम। ठीक है। हाँ अरे मैं तो कहती हूँ दो चार और अच्छे अच्छे नाम सोच लें, हाशिम को इतना अच्छा नहीं। नहीं नहीं हातिम के साथ यही जाता है हाशिम। यार अम्मी क्यों रोई जा रही हैं? रोने की क्या बात है इसमें? जब जवान लड़कियां खुदसरी पर उतर आए ना तो गैरतमंद माएं यूं भी रोती हैं। ये ख्याल तो तुम्हें पहले रखना चाहिए था ननोशी, जब लोंडियां हाथ से निकल जाए तब होश आए। हाँ उस वक्त तो उल्टा हम पर चढ़ाई की जा रही थी। हैं रख दे बहन, पानी तो पी लें यार। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं स्कॉलरशिप पे बाहर जा रही हूं पढ़ने के लिए तो इसमें रोने की सदमे की कौन सी बात है अम्मी? हाँ भाई इसमें रोने की क्या बात है, सदमे वाली तो कोई बात ही नहीं है। लड़की मुल्क से अकेली जा रही है पढ़ने के लिए, इसमें रोने की क्या बात है? तुम तो यूं रो रही हो जैसे ये पढ़ने नहीं जा रही है, रुखसत हो रही है, हैं? यही समझ लें बड़ी आपा। क्या जब आज मेरा क्लास फेल हुआ है और हम दोनों को स्कॉलरशिप मिला है, हम दोनों जाने से पहले निकाह करना चाहते हैं। तो तुम हमें अपना फैसला सुना रहे हो, मशवरा नहीं? बड़े भैया आप घर के बड़े हैं, मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप जैनी की मर्जी को बहरहाल फौकियत देंगे। अरे जैनी का क्या है, उसको जैसा कहा जाएगा वो वैसा ही करेगी ना। लेकिन राहिल से रिश्ता तोड़ के किसी और से अपनी पसंद से, मैं इसमें कोई हर्ज नहीं समझता। जवाब बहुत अच्छा लड़का है, मैं मिला हूँ उससे, जैनी को पसंद है, जैनी खुश रहेगी उसके साथ, और किसी भी इंसान की तरह जैनी को भी यह हक हासिल है कि वो खुश रहे। लेकिन लड़कियों की खुदसरी को मानना कोई अकलमंदी नहीं है। अगर आज घर की लड़की ऐसा करेगी तो कल को दूसरी लड़की भी तो यही करेगी। सिकंदर अगर कल को सिला की खुशियों का सवाल उठा तो मैं उसका भी वैसे ही साथ दूंगा जैसे आज अपनी बेटी का साथ दे रहा हूँ।
ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। बस करें यार, कितना रोना है आपने। ये दिन भी देखना था। क्यों कर रही है ऐसा? ये कयामत की निशानियां हैं, कयामत की निशानियां हैं। अरे मुझे ये बताओ कि उस राहिल का क्या होगा अब? राहिल को क्यों एतराज होगा बड़ी आपा? राहिल ने तो यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए मेरी मदद की है, और राहिल और जवाद एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, दोनों एक दूसरे के दोस्त बन चुके हैं। लो जी नोशी बीबी, अब ये टुस टुस करना बंद कर दें। आपकी बेटी जैनी बीबी ने सारी सेटिंग कर ली है। ओफ, उस बेचारे राहिल से मंगनी करके उसको लटकाए रखा, और बाला बाला किसी और के साथ। मैंने किसी को नहीं लटकाया बड़ी आपा, और राहिल और मैं आज भी दोस्त हैं, एक दूसरे से दोस्तों की तरह ही बात करते हैं। ओए ये सब नए जमाने की बेशर्मी की बातें हैं, लड़का लड़की भी कभी दोस्त हुए? अच्छा यही तो मसला है बड़ी आपा, अगर लड़का लड़की आपस में अच्छे दोस्त बन जाएं तो सारे मसले हल हो जाएं। अब राहिल ने तो मेरे सारे मसले हल किए हैं बड़ी आपा। मैं तो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हो रही थी, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की। ऐसे में राहिल ने मेरी बात समझी और उसी ने मेरी मदद की। अब जब हम दोनों इस रिश्ते से खुश नहीं है, हमारी मर्जी शामिल नहीं है, तो ये रिश्ता करके क्या करेंगे बड़ी आपा? हाय मेरे रब ने मुझे बे औलाद रखा, बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया। ऐसी नाफरमान औलाद से तो इंसान बे औलाद ही बेहतर है। अब टस में बात ही जाओ, रोक ही जाओ। चुप तो करें, पानी तो पी लें आप। नहीं पीना मुझे पानी। ये सब इसके बाप की शह है। जिन लड़कियों को उनके माँ बाप शह देते हैं ना, वो लड़कियाँ अपनी जिंदगी और मुस्तकबिल का फैसला बहुत अच्छे तरीके से करती हैं, और जिन लड़कियों के माँ बाप उनको मोहब्बत और एतबार नहीं करते ना, उन लड़कियों की जिंदगी खराब हो जाती है, जैसे सिला की हुई, देख नहीं रही आप? बस भाई बहुत हो गया, अब मिठाई बांटिए और एक दूसरे का मुंह मीठा करवाइए, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है आप लोगों के पास निकाह की तैयारी करने का, इसलिए जल्दी से तैयारी कीजिए। हमें क्या जरूरत है गोटा लप्पा टांकने बैठ जाए? दफा तो मत कीजिए, आप लोगों की इज्जत का सवाल है, लड़के वाले क्या कहेंगे, लड़की वालों को इतना भी ख्याल नहीं था। अरे हमारी इज्जत तो तुम फुटपाथ पर पहले ही बेच कर आ गई। खबरदार बड़ी आपा, जो आपने ऐसा कहा तो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब हमें किसी पर कोई यकीन नहीं है, जाओ जो करना है वो करो, करो ना करो हमारी बला से। और तुम नौशी, अब ये टसवे बहाना बंद कर दो, ड्रामे बस। अम्मी खुदा का वास्ता यार चुप कर जाएं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम यतीम हो, तुम्हारे सर पर बाप नहीं है, मामुओं के एहसानों तले दबे हुए हो, इसका मतलब ये तो नहीं कभी एक कभी दूसरी लड़की तुम्हारी जिंदगी से खेलती रहे। मैं पूछती हूँ जा। अम्मी देखिए मेरी बात को समझे, जैनी जवाद को पसंद करती है, बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे कई बार मिल चुका हूँ, जैनी ने मुझे सब कुछ बता दिया था, मगर यहाँ पर तो कोई सुनने समझने वाला है ही नहीं, इसलिए हम खामोश रहे। एक तुम्हारे सर पर सिर देखने की हसरत है राहिल, इतनी छोटी सी खुशी इस कदर महंगी हो गई। आप मुझे खुश देखना चाहते हैं मम्मी, तो समझे कि मैं बेहद खुश हूँ, जैनी भी खुश है, हम दोनों ने मिलकर ये फैसला किया है मम्मी। भाई वाह, बड़ी बहादुर है जैनी, और मुझे बहादुर लड़कियां बड़ी पसंद है। खुद सरी का दूसरा नाम बहादुरी रखा गया है, सुभान अल्लाह। सादिया, अरे भाई क्या रात को चाय दोगी क्या, गोली भी लेती आना, सर दर्द से फटा जा रहा है। बड़ी आपा, जब आप जैसे बुजुर्ग बच्चों की ना सुनेंगे ना समझेंगे, फिर ऐसा तो होगा ना। क्या जमाना आ गया है, कयामत की निशानियां है, सब कयामत की निशानियां है, सब कुछ उलट हो गया है। कुजा छोटे बड़ों की बात समझे नहीं, यहां छोटे बड़ों को समझाएंगे। वाह 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 वाह, बड़ी आपा आप खुद ही देखें चूही से कितनी छोटी हूं मैं, अब मुझे ये ऊंच नीच ये वो मुझे ही समझाना है ना, उनको समझाना पड़ता है बड़ी आपा। मेरे नसीब में तो परेशानी ही लिखी, कैसे मेरे दिल में नक्श थी सिला, फिर सिला बीबी ने अजीब ही हरकत की, तुम्हारे और नोशी के कहने पर
जैनी को मैंने मेरी ना समझी थी जो मैं सिला को नहीं समझ पाया। तो आप कौन से समझदार होंगे, तब भी गलती की थी। की थी, इंसान हूँ, गलती की तो गुंजाइश होती है ना अम्मी। अब अगर करूँगा तो आप मुझे धुतकार देंगी। सही क्या होता है, गलत क्या होता है राही? मेरा दिल तो माँ कर दिया। गलती करके आओ तब भी, सही करके आओ तब भी, तुम्हारे लिए हमेशा मोहब्बत से भरा रहेगा। इन्हीं लगाई बुझाइयों की वजह से भाई बहनों से और बेटे माओ से जाते हैं। हाय बढ़िया बाप, आपको कौन समझाए? अरे भैया मुझे मत समझा, मैं वैसे ही ना समझी अच्छी हूं। आप कहां अच्छी? अब जिस लगाई बुझाई की आप बात कर रही है ना, जब यही सब करने से रात मैंने आपको रोका था तो कैसा बुरा लगा था आपको? नादिया तुम तो मुझसे बात ही मत किया करो। अरे बड़ी आपा, मुझसे खामोश नहीं बैठा जाता। अब दो लोग बैठेंगे बात तो होगी ना। अब देखो सादिया भाभी को कितनी खामोश है, चुप चुप सी, मुझसे तो बात नहीं करती, पता नहीं किससे करती है। नहीं ऐसी बात तो नहीं है। ए बीबी, हमारे घर के रीत रिवाज के मुताबिक जो चुप है उन्हें चुप ही रहने दो। यहाँ गूंगे होते हुए भी सब कुछ सब कर लेते हैं। यहाँ नूर मंजिल में कोई भी सीधा नहीं है। अरे है बड़ी आपा। वो कौन? वो है ना आपके बड़े भैया, जूई भैया, सीधे साधे। अल्लाह, शराफत का तो जमाना ही नहीं है, शरीफ लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। अरे नहीं बड़ी आपा, ये जो सीधे लोग होते हैं ना बड़े बोरिंग होते हैं, बहुत ही बोर करते हैं। हाय मेरे चाचा के ना बड़े बेटे हैं, उनकी तबीयत बड़ी मन चली है। अक्सर दोपहर को आ जाया करते थे हमारे घर और क्या आला आला गाने लाते थे अपने फोन में डाल के, क्या बताऊं आपको। वो क्या है ना, उनका इंटरनेट बड़ा अच्छा चलता था, बस फिर क्या था कि सारा दिन मैं और वो बैठ के गाने सुनते थे। क्या आला गाने थे, क्या बताऊं बढ़िया आपा आपको। वो क्या नाम है उस सिंगर का, मैं भूल गई उसका नाम, इतने अच्छे गाने थे, सुनती रहती थी मैं तो उनके साथ, बहुत मजा आता था भाई। नाराज हो? जानती हूं कि नाराज हो, मैंने बताया जो नहीं जवाब का, बाहर जाने का, है ना? मैं होती ही तो जान से मार देती। अच्छा चल, दिखा 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 अपना गुस्सा, दिखा अपनी नाराजगी, दिखा अपनी उदासी, ऐसा दिखा। कुछ नहीं है जैनी। और देखो शर्ट भी ठीक हो गई है। बिल्कुल ठीक हो गई। बहुत नाराज हो? मैं क्यों नाराज हूंगी? इसलिए कि मैं तुझे अकेला छोड़ के जा रही हूं इन हालात में, इन लोगों में। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है, यही तो मैं भी सोच रही थी कि क्या फर्क पड़ता है। जब मैं तेरे इतने करीब थी, इतने पास थी, तो तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकी, तू मुझे कुछ बता ना सकी और मैं तुझे बचा ना सकी, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क तो सिला तब पड़ेगा जब तू खुद को बचा सकेगी, अपने गुस्से, अपनी नाराजगी, अपनी उदासी को जायज समझेगी। फर्क तो तभी पड़ेगा सिला। और ना बहुत ज्यादा याद आएगी तो मुझे, बहुत ज्यादा। राहिल से कहना कि कोई और काम है तो बता दो,
मैं कर देती हूँ। राहिल के जिगर से कतरा गई। नहीं, बहुत चाहती है तू उसे, जानती हूँ मैं ये। तो फिर उससे बात क्यों नहीं करती तू? देखो सैनी, बात बदल गई है, हालात भी बदल गए, कुछ यार है तो बता दो, अभी साथ के साथ कर देती हूँ। राहिल तो घर का लड़का है सलीम भाई, उसका क्या, जब कोई अपना ले जब कोई धुतकार दे, हैसियत ही क्या है उसकी, टुकड़ों पे पल है, ऐसा तो होगा। क्यों शर्मिंदा कर रही हो? तलो शर्मिंदा तो मैं हूं अपने बेटे के सामने, क्या सोचता होगा मेरे बारे में, मेरे खानदान के बारे में। राहिल बहुत बहुत समझदार लड़का है तलो, ये आज के बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत समझ वाले। देखो जैनी और राहिल ने दोनों ने खुद ही मामला तय कर लिए, और जवाद से मेरी मुलाकात भी राहिल ने ही कराई। अच्छा, होने का बड़ा नुकसान है सलीम भाई, सब रोंद कर गुजर जाते हैं। तुम अपना जी बुरा ना करो तलो, राहिल मुझे अपने बच्चों की तरह अजीज है। देखो शुरू में मुझे भी इस बात पे बहुत धचका पहुंचा, मगर राहिल ने मुझे समझाया, तलो हमने अपने बच्चों के साथ हक छीन रखे, उन्हें भी खुश रहने का हक है, और ये फैसला सिर्फ सैनी का नहीं है, राहिल और सैनी दोनों का है। बच्चों की खुशी का रास्ता क्यों रोके तलो? कल घर पे सादगी से निकाह होगा, ये भी बच्चों की ख्वाहिश है, वो कोई शोर शराबा दिखावा नहीं चाहती। अगले 2-3 रोज में तो बच्चे बाहर रवाना हो जाएंगे, तो अपने दिल को साफ कर लो तलो। राहिल, राहिल से मोहब्बत तुम मैं हमेशा से करता हूं, अब तो मेरे दिल में उसके लिए इज्जत है। मेरी बच्ची इस घर में आ जाती, इससे ज्यादा और खुशी की क्या बात हो सकती थी मेरे लिए। हजारों मील दूर भी इसलिए भेज रहा हूं कि इसी में उसकी खुशी। ये फैसला मैंने कैसे किया था लोग, मेरा दिल ही जानता है। इस बार मैं खुद खैर नहीं बन सका था, राहिल ने समझाया और रोक दिया मुझे। चलो जैसा तुम्हारा बच्चा है ना, बताओ मुझे भी ऐसा ही बेटा देता। लेकिन अपने बच्चों की खुशी के लिए दुआ करो ना, अल्लाह बच्चों को खुश रखे। ये कहाँ रहती हो? बिल्कुल दिखाई नहीं देती, कब तक छुपोगी? देखो ढूंढ लिया ना मैंने तुम्हें, ढूंढ लिया ना, ढूंढ लिया, ढूंढ लिया, ढूंढ लिया, ढूंढ लिया, ढूंढ लिया। अब तो तुम्हारी वो सहेली भी जा रही है, तो तुम बिल्कुल अकेली रह जाओगी, बिल्कुल तन्हा हो। कोई नहीं होगा तुम्हारा सवाए मेरे। पता नहीं तुमने उस रहील से क्या कह दिया, अब तो वो भी। हाँ भाई सच है,
कौन है ऐसी लड़की के साथ बड़ी गलती की तुमने? क्यों करती हो इतनी गलतियां बोलो, और कब तक मैं तुम्हारी इन गलतियों पे, कमियों पे, बुराइयों पे पर्दे डालता रहूंगा? कब तक, कब तक, कब तक? धोखा दिया है सबने, मेरी सिला सबने साथ छोड़ दिया, मेरी सिला सब मेरी सिला को बुरा समझता है। कोई बात दफा जाने दो, हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। इसमें तुम हो मेरी नानी हमेशा। बस अब मुझे परेशान मत करना, मेरी नजरों से ओझल मत होना तुम। सिला, ओ आओ 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 दुल्हनिया। अरे वाह, तुम तो बड़ी तेज निकली भाई। बेचारे राहिल को चक्कर देकर खुद परवाज ले ली, वाह। हाँ ऐसा ही है, आजकल की लड़कियां बहुत तेज हैं। अब आप नादिया मामी को ही देख लीजिए, ना कुछ अने चबवा रही हैं आपको और बड़ी आपा को। जो मर्द औरत की इज्जत करते हैं ना, उन्हें ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं। खैर अच्छा ही है तुम जा रही हो, हमारी सीधी सादी भोली भाली सिला को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही थी। ये भी तो इसी घर में रहती है ना, देखो कितनी अच्छी, तुम्हारी तरह नहीं है कि मंगनी घर में कर रखी है और निकाह के लिए बाहर तय कर रखा है। हाँ भाई ये तो है, लेकिन जोई मामा आपका मुकाबला कौन कर सकता है, जिसकी अपनी बेटी की ही उम्र की बीवी हो और घर की ही। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। इल्जाम? यहाँ रहो सुखी रहो, मैं वैसे भी तुमसे उलझना नहीं चाहता। मुझसे उलझने की सकत है भी नहीं आप में। देखा तूने, मुझसे कुछ भी नहीं कह सकते ये। जानती है क्यों? क्योंकि मैं तुम नहीं हूं, सिला नहीं हूं मैं। अरे भाई बड़ा सादा सा निकाह है, सिर्फ घर के लोग ही होंगे। माशाल्लाह इतने सारे जोड़े हैं आपके पास, उन्हीं में से कोई एक आध निकाल कर पहन लीजिए। हाय अल्लाह जोई, वो तो सब पुराने हैं। अरे एक दो मर्तबा जोड़ा पहन लेने से पुराना थोड़ी हो जाता है। वैसे भी मेरा दिल उग गया है, क्यों भी तो ऐसी सी बरी आई थी मेरी, बरी तो आई थी मेरी बड़ी आपा की। ये बड़े बड़े 3 बैग थे, इतने भारी के 4 बंदे उठा के लाए थे, और सब काम वाले सूट, खूबसूरत रंग, वाह वाह क्या बात थी। अरे तुम्हारे में तो हर रंग खिलता है माशाल्लाह, इतनी प्यारी सूरत है। तुम तो सादा सा जोड़ा भी पहन लो तो माशाल्लाह सज जाएंगे यार। जी नहीं, आपकी इन बातों में आने वाली नहीं हूं मैं। मेरी अम्मा से कहा करती थी मेरी खाला, आपा अल्लाह ने गुर्बत तो दी है लेकिन तुम्हारी बेटियां बहुत खूबसूरत हैं, अब इनकी अच्छी शक्ल का फायदा उठाना, बड़े घरों में ब्याना है इन्हें, इसीलिए तो आपकी बड़ी उम्र की भी परवाह नहीं की, क्योंकि आपकी कोठी बड़ी है। लाहौल मिला बेहूदा बात। क्यों जी कैसी बेहूदगी, आपने भी तो यही किया, इसी कोठी का फायदा उठाया जो कि आपकी है भी नहीं, सारे ऐप छुपा लिए इस कोठी ने आपके। अरे नादानी में उल्टा सीधा बोल जाती हैं आप, कुछ ख्याल नहीं रहता है आपको। साफ और सच्ची बात सबको बेहूदी और नादानगी लगती है। क्या बात है जोई, मैं नया सूट ही पहनूंगी। नई नवेली दुल्हन हूँ, लगनी भी तो चाहिए ना, ले देना नया सूट। अरे कह दिया है ना, उन्हीं पुराने सूटों में से कोई एक आधा सूट पहन लीजिए, बस हो गई बात, नहीं दिलवाऊंगा। क्योंकि आप दिलवा सकते नहीं। चलिए ऐसा ही समझ लीजिए, हमारी गुर्बत को कबूल कर लीजिए। एक ही बार क्यों नहीं बता देते क्या क्या कबूल करना है मैंने। अरे क्यों खामखा झगड़ा कर रही हैं आप मुझसे,
मेरी इतनी सी ख्वाहिश आपको झगड़ा लग रही है? अरे कह रहा हूँ ना कि इन्हीं जोड़ों में से जोड़ा पहन लीजिए, अगली बार कोई मौका आएगा तो नया जोड़ा बनवा दूंगा। भाई अब रूठिए तो ना। जोई आप कोई नौकरी क्यों नहीं करते, चार पैसे कमा कर लाए, हाथ पर रखे मेरे। अरे नौकरी भी कर लेंगे, चार पैसे कमा के तुम्हारे हाथ पे भी रख देंगे अगर। अगर अगर चांद सा बेटा दोगी हमें तब। कंजूस, चांद सा बेटा दोगी। सिला, इस वाले जोड़े के बारे में क्या ख्याल है? हाँ इसके दुपट्टे पे कुछ टांग देती हूँ, अच्छा लगेगा। हाँ क्या ख्याल है जी? वक्त ही नहीं था कि कुछ नया बनवाती। वैसे तो बाजार में बने बनाए बहुत कपड़े मिलते हैं, पर उनकी सिलाई क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी पहन लूंगी। अरे फर्क क्यों नहीं पड़ता है, खासतौर पे ऐसे मौके पे तो लोग देखते हैं कि। मुझे कोई नहीं देखेगा, मुझ जैसी लड़की में किसी को दिलचस्पी नहीं। कैसी बातें करती हो, कभी तो कोई अच्छी बात कर लिया करो सिला। अच्छी बात? मेरी जिंदगी में इस घर में कोई है ऐसी बात करने के लिए? अच्छी बात, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ये किताबों के साथ क्या कर रही हो तुम? रद्दी कर रही हूं, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं चाहिए किताबें। क्यों क्यों इस दलदल में रह रही है और पूछ रही है क्यों? देखो ये सब्ज वाला जो जोड़ा है ना, ये भी बहुत अच्छा है, ये तुमने ईद पे पहना था। वैसे तो तुम पे सारे रंग बहुत जचते हैं, लेकिन ये सब्ज बहुत प्यारा लगता है। ये इस्त्री कर दो तुम्हारे लिए। जोई मामा से पूछिएगा आप कि मुझ पे कौन सा रंग सूट करता है। Yeah.